कुमार यादव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुख करेंगे खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश के ब्यूरो केसी से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में कई आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। यूपी के कई जिलाधिकारी के तबादले। अंकित अग्रवाल रामपुर के जिलाधिकारी, आलोक सिंह डीएम कानपुर बनाए देहात बने हैं, प्रेम रंजन एटा से जिलाधिकारी बने हैं, अक्षय त्रिपाठी डीएम ललितपुर बने, महेंद्र सिंह तंवर डीएम संत कबीर नगर, रविंद्र कुमार मंदार बिजनौर के डीएम बने, उमेश मिश्रा कुशीनगर के नए डीएम बने, प्रियंका निरंजन मिर्जापुर की डीएम बनी। उत्तर प्रदेश के ब्यूरो केसी में फेरबदल हुआ है, तबादले हुए हैं आईएएस अफसरों के। यूपी में कई आईएएस अफसरों के तबादले, यूपी में कई जिलाधिकारियों के तबादले। अंकित अग्रवाल रामपुर के जिलाधिकारी, आलोक सिंह डीएम कानपुर देहात, प्रेम रंजन एटा से जिलाधिकारी बने, अक्षय त्रिपाठी डीएम ललितपुर बने, महेंद्र सिंह तंवर डीएम संत कबीर नगर बने, रविंद्र कुमार मंदार बिजनौर के डीएम बने, उमेश मिश्रा कुशीनगर के नए डीएम बने, प्रियंका निरंजन मिर्जापुर की डीएम बने। बिल्कुल, देखिए अभी सरकार ने थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के करीब एक दर्जन जिलाधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें बस्ती की डीएम है प्रियंका निरंजन जी, इनको मिर्जापुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। इसी तरह से आलोक सिंह को नया जिलाधिकारी कानपुर नगर का बनाया गया है, और अक्षय त्रिपाठी जो लखनऊ में एनडीए के वीसी रह चुके हैं उनको ललितपुर का नया डीएम बनाया गया है। अंकित अग्रवाल रविंद्र मंदर की जगह रामपुर के नए डीएम बनाए गए हैं जी। तो बहुत सारे अफसरों के तबादले किए गए हैं ये विशेष सचिव स्तर के। अभी इसकी पूरी जानकारी आना प्रतीक्षित है, लेकिन भारत समाचार पर ये खबर सबसे पहले है कि उत्तर प्रदेश में एक दर्जन के करीब जिला अधिकारियों के तबादले सरकार ने कर दिए हैं।